दोस्तों आप लोगों को लगता है कि क्या कोई मरकर भी ज़िंदा हो सकता है? दोस्तों अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी अपने रिलेटिव या अपने चाहने वालों को कोई भी इस दुनिया से नहीं खोता दोस्तों, हर कोई मरने के बाद ज़िंदा हो जाता दोस्तों। दोस्तों ये एक ऐसी ही विज्ञान की खोज और एक डॉक्टर के जुनून की कोशिश ने ये साबित कर दिया था कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो एक रिसर्च के आधार पर है, आप इसको गूगल पर रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं कोई भी वीडियो बिना रिसर्च के नहीं बनाता हूँ दोस्तों। ये चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ई कॉर्निश नाम के एक वैज्ञानिक का, जिन्होंने इस कोशिश को लगभग पूरा कर दिखाया था दोस्तों। रॉबर्ट बचपन से ही तेज दिमाग वाले थे। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन और 20 वर्ष की उम्र में डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली थी दोस्तों। डिग्री के हासिल करने के 10 वर्ष बाद उन्हें लगा कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। डॉक्टर का मानना था जब भी किसी आदमी का दिल धड़कना बंद हो जाता है तब उनका खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे उनके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और वो इंसान मर जाते हैं दोस्तों। उन्होंने सोचा अगर किसी तरह खून का प्रवाह फिर से होने लगे वो इंसान फिर से ज़िंदा हो जाएगा। उन्होंने इंसान ज़िंदा हो सके इसके लिए कई प्रयोग किए, जिसमें हार्ट अटैक से मरे हुए, बिजली के करंट से मरे हुए और पानी में डूबकर मरे हुए इंसान शामिल थे, मगर वो सफल नहीं हो सके। रॉबर्ट मरे हुए इंसान की नसों में इंटेलिन नाम का रसायन इंजेक्ट करता था, जिससे उसका खून पतला हो जाता था। उसके बाद वो मृत शरीर को जोर जोर से एक झूला में झुलाता था, जो कि एक पटरी नुमा थी जो एक इंसान के बराबर थी, उसमें उसको बांध के उसको झुलाया जाता था, जिससे उनके खून का प्रवाह हो सके दोस्तों। थ्योरी तो लगभग सही ही थी लेकिन ये सच्चाई नहीं बन पाई दोस्तों। इस पर रॉबर्ट कॉर्निश का कहना था कि उनको अब तक जो भी मृत शरीर मिली थी वो उसको मरे काफ़ी समय हो चुका था, अगर शरीर मरने के तुरंत बाद मिल जाए तो हम जरूर कामयाब होंगे। कॉर्निश ने अपने प्रयोग कुत्तों पर करना चाहा दोस्तों। उसने 5 कुत्तों का चयन किया और उन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस में दम घोटकर मार दिया गया। उसके बाद अपने थ्योरी के मुताबिक उन्होंने अपना प्रयोग को शुरू कर दिया। 5 कुत्ते में से उन्होंने 3 को जीवित नहीं कर पाए पर 2 कुत्तों को उन्होंने मौत की नींद से जिंदा कर दिया दोस्तों। जब यह खबर अखबार में उस समय छपी तो पूरा देश ये सुनकर हैरान रह गया दोस्तों। फिर भी रॉबर्ट कॉर्निश अपना प्रयोग इंसानों पर करना चाहते थे और वो ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो उनकी इस प्रयोग का हिस्सा बन सके। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया का एक कैदी जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, रॉबर्ट कॉर्निश ने कैलिफोर्निया के सरकार के आगे ये बात कही कि उनकी कैदी की मौत के बाद उनके डेड बॉडी को उनके प्रयोग के लिए दे दिया जाए ताकि ये प्रयोग ये उन पर कर सके तुरंत। इन कैलिफोर्निया की सरकार ने उनकी अर्जी को ये कहकर ठुकरा दिया कि अगर उसकी प्रयोग से वो कैदी जिंदा हो गया तो उसे बाद में फिर सज़ा नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने इस अर्जी को ठुकरा दिया दोस्तों। अर्जी के ठुकरा देने जाने पर कॉर्निश बहुत ही निराश हो गए, जिसके कारण कॉर्निश ने अपना प्रयोग बंद कर दिया। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है लाइफ रिटर्न और इसमें जो भी कुछ सीन है वो रियल वीडियो के क्लिप्स लिए गए हैं। इसमें उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इस फिल्म को और देख सकते हैं। शुरुआत में रॉबर्ट कॉर्निश के ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के वर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है जो किसी भी मृत को जिंदा कर सकता था। और एक प्रयोग में उन्होंने एक कुत्ते के सर को धड़ से अलग कर दिया था, उसके बाद पंप की सहायता से एक नया फेफड़े और नया हार्ट के जरिए वो पाइपलाइन के जरिए से जो कटा हुआ सर था उसमें उन्होंने कनेक्शन कर दिया था, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी और कटे हुए सर में जब रक्त प्रवाह चलता था मशीन के जरिए तो उस कुत्ते में हलचल होती थी और वो कुत्ता सुन सकता था, देख सकता था। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर तो सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट ई कॉर्निश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। लेकिन आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर ये प्रयोग सफल हो जाता और इंसान जीवित होने लगते तो क्या होता आज के समय में। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मीडिया व्यू न्यूज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के उसका सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।